हमारा जो एक बहुत बड़ा चुनावी घोषणा था फ्री वाईफाई का, तो आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है पूरी दिल्ली में 10,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे और फ्री वाईफाई देने का काम एक तरह से शुरू हुआ है। 10,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे जिसमें 11,000 हॉटस्पॉट्स, जिसमें 4,000 हॉटस्पॉट्स 4,000 बस स्टॉप्स के ऊपर लगाए जाएंगे और बाकी 7,000 हॉटस्पॉट्स जो हैं 100 पर असेंबली में लगाए जाएंगे। हर यूजर को 15 GB डेटा पर मंथ फ्री दिया जाएगा। ये एक तरह से पहला फेज है, पहली बार इतने बड़े स्तर के ऊपर फ्री वाईफाई। मुझे लगता है पूरी दुनिया भर में इस तरह का मॉडल नहीं है जब किसी शहर में इतने बड़े स्तर पे फ्री वाईफाई दिए जा रहे हो। तो इसको एक बार ही फेज वन ये कंप्लीट हो जाए, इससे जो भी लर्निंग्स होंगी उसके बेसिस पे, जैसे अभी हमने पहले 1,40,000 CCTV कैमरे लगाए और फिर दूसरे अब 1,40,000 और लगा रहे हैं, इसी तरह से ये एक बार ही देख लेते हैं इसके एक्सपीरियंस के आधार पे, फिर जितने और जरूरत पड़ेगी उतने और नेक्स्ट फेज में हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि ये वाला काम जो एक बहुत बड़ा हमारा चुनावी वादा था, ये भी काम हम लोगों ने पूरा किया। इस पे अगर आपके कोई प्रश्न है तो सर, कब से वाईफाई लग गए? दोनों मुझे लगता है 3 से 4 महीने के अंदर, अभी टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होके वर्क अवार्ड होगा, 3 से 4 महीने के अंदर नए CCTV लगने भी चालू हो जाएंगे और वाईफाई लगने भी चालू हो जाएंगे। और जैसे CCTV जहां जहां लगते जा रहे हैं वहां वहां वो शुरू होते जा रहे हैं, वैसे वाईफाई भी जहां जहां लगते जाएंगे वो लाइव होते जाएंगे तुरंत। यानी 4 महीने बाद ये वाईफाई की सुविधा शुरू हो चुकी होगी। सरकार के इस फैसले का चुनावों से क्यों ना नाता जोड़ा जाए? सर पीछे हमने 70 वादे किए थे, तो जैसे ही सरकार बनी एक 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 वादा पूरा करना चालू किया, और हमारा दिल्ली की जनता को वादा था कि 5 साल में पूरे करेंगे, तो 5 साल पूरे होने के पहले कर देंगे। चेतन सर, ये 15 GB डेटा जो है ये कैसे आप लोग इसको करेंगे कंट्रोल? 15 GB पे वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, आपका फोन नंबर है उसे आप रजिस्टर करोगे वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा इसी जगह। सर वाईफाई इस मॉडल पे काम करेगा, PPP मॉडल पे लगा रहे हैं या सरकार खुद लगा रही है, इसका टोटल बजट कितना आएगा? दोनों का बताइए। सर वो PPP मान सकते हैं क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो करेगा और जो उसका खर्चा है लगभग 100 करोड़ रुपए का वो आएगा पर एनम, वो दिल्ली सरकार देगी। सर वाईफाई अभी कैसे रेलिवेंट है सबके पास? फोन और चीज इंटरनेट है, मतलब टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू, लेकिन जो भी आपके पास है दिस इज इन एडिशन टू वट एवर यू हैव। सर एक एक 100 करोड़ दिल्ली सरकार देगी, ये किस लिए होगा? पीपीपी है तो फिर क्या मॉडल इसको रेशो है? 15 GB के फ्री दे रहा हूँ। नहीं 100 करोड़ आप दे रहे हैं, लगभग एस्टिमेटेड खर्चा है कि 100 करोड़ इंस्टॉलेशन चार्जेस आप वो करेंगे बाकी आप। सर कंपनी से कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कि ये जो मॉडल है हमारा ओपेक्स मॉडल है, सर्विस मॉडल भी कहते हैं, इसमें सारे इन्वेस्टमेंट जो वेंडर होगा वो करेगा, सरकार को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करेगी, जिसके अंदर 50 मीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं उसको यूज कर सकते हैं, बट एक यूजर को एक महीने में 15 GB तक ही यूज कर पाएगा। जितने भी बस स्टॉप हैं, बस स्टॉप के लोगों को बस के लिए इंतजार करना होता है आधा घंटा 15 मिनट बस, तो उसका यूज कर सकते हैं। और सभी रेजिडेंशियल एरिया में अभी 100 हम पर कॉलोनी दे रहे हैं, तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कई बार पार्कों के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, तो वहाँ पे शेल्टर्स बने हुए हैं जिसमें 50,000 लोग बैठते हैं, 100 बैठते हैं, तो उस तरह लग सकते हैं लोग काफी यूज करेंगे, लगता है इसकी आशा है कि काफी ऐसी जगह होंगी। जो आपका क्वेश्चन है ना, जैसे मैं जब यूथ से मिलता हूँ वो कहते हैं जी वो फ्री वाईफाई उसका क्या हुआ, फ्री वाईफाई उसका, तो वेयर एज आई एग्री कि अब आज के जमाने में 2015 में और 2019 में टेक्नोलॉजी में काफी फर्क आया है, डेटा के रेट्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं, लेकिन शायद स्टूडेंट्स के लिए वो जो एक्स्ट्रा वो जो फ्री होगा दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस इन देयर डे टू डे लाइफ। और स्पीड जो है वो 200 MBPS की स्पीड है। सर हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर दैट इट इज नॉट मिसयूज्ड? वन एंड पर राउटर देयर इज अ कैपेसिटी टू हैंडल यू नो द यूजर्स, यू वन फॉर ईच राउटर देयर विल बी लाइक 50 60 100 यूजर्स, 150
200 साइमल्टेनियस यूजर्स पर हॉटस्पॉट। 200 का नंबर काफी होता है, अब 200 लोगों को लगता नहीं कि एक जगह पे इकट्ठा यूज कर पाएंगे, मानो जितनी भी जगह होती है आप देखिएगा एयरपोर्ट के भी एक साथ 200-300 लोग ही बहुत कम हो जाते हैं। मिसयूज्ड इन व्हाट सेंस? डाउनलोडिंग पॉर्न फॉर एग्जांपल। आई थिंक दे विल बिल्ड द सेफगार्ड्स, जो भी सेफगार्ड्स बिल्ड करने होंगे वी विल बिल्ड दैट। व्हाटएवर सेफगार्ड्स आर इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। अभी फर्स्ट फेज में वी विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इतने बड़े स्तर के ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया में फ्री वाईफाई पहली बार किसी शहर में हो रहा है। आई थिंक वी नीड टू लर्न। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं यूथ से मिलता हूँ, यूथ के अंदर इसको लेके अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर वो क्या हुआ, कब आ रहा है, कब फ्री वाईफाई दे रहे हैं, तो उनको जरूरत है, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। सर इसके से राउटर्स जो है वो इंटीग्रेशन हाँ आपस सीसीटीवी से किया जा सकता है। इनवर्ल्ड जो हमारे सीसीटीवी है वो भी इससे वाईफाई यूज करके इसको एक्सटेंडर की तरह भी यूज करेंगे और सर्विस के लिए वो टेक्निकल वो बता देगा। गोपाल बता दीजिए। गोपाल जितने भी हमारे सीसीटीवी लगे हैं वो वाईफाई सीसीटीवी कैमराज हैं, उनमें वाईफाई सिस्टम है, तो अगर कोई भी अगर इसको अपने ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी में कुछ उसको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसे एसएमएस आता है कि कोई अलार्म है, तो वो वहाँ ऑफिस में बैठ के भी देख सकता है इस वाईफाई के थ्रू, तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसे मिलेगी। और जो वाईफाई मॉडम्स हमारे सीसीटीवी के अंदर है वो एक्सटेंडर की तरह यूज करेंगे हम इसको। 50 meters per radius, 50 meters per diameter, 100 meter का होगा।